हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ फार्म पे और संडे का दिन है, सूर्य देवता अस्त होने की तरफ अग्रसर होते हुए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने करीब है सूर्य देवता अस्त होने के। और आप लोगों को चावल तो मेरे को लगता है काफ़ी पसंद होंगे, आप सब लोग चावल बहुत खाते भी होंगे। मैं तो बहुत खाता हूँ क्योंकि मुझे वीट से एलर्जी है, तो चावल ये तो मुझे चलता ही चलता है। कहीं पे भी बाहर जाता हूँ सबसे पहले चावल ही मुझे याद आता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि चावल की जो खेती है वो किस तरह की होती है। तो थोड़ा करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि चावल की खेती किस तरह की होती है। दोस्तों, ये देख लीजिए चावल किस तरह से उगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पूरे फार्म में जो चावल की फसल है, जिसको कि धान बोला जाता है, और सारे खेत के अंदर पानी भरा होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे पूरे खेत के अंदर पानी फुल रखना पड़ता है, तब जाके धान की जो फसल है वो तैयार होती है। और अभी करीब जाके मैं आपको और दिखाता हूँ। व्यू देखिए आप दोस्तों, कितना शानदार है। सामने सूर्य देवता अस्त होते और धान की फसल पे जो इसका व्यू आ रहा है बहुत ही शानदार है। और पास से मैं आपको दिखा देता हूँ कि चावल के जो दाने हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं चावल के दाने हैं भाई, अब ये पूरे पक्के तैयार हो जाएंगे और फिर हम इनको खाएंगे। अभी तो ये कच्चे हैं और इनके अंदर पूरे चावल अभी पके नहीं हैं, कच्ची फसल तैयार हो चुकी है और थोड़े दिनों में ये बढ़िया पक्के तैयार हो जाएंगे, तब इनको काटेंगे। अभी तो बहुत शानदार व्यू का आप नज़ारा लीजिए, खेत का जो व्यू होता है बहुत ही शानदार होता है। चारों तरफ हरियाली और ऑक्सीजन भरपूर। और अभी साथ के साथ मैं आपको नागलोक के दर्शन भी करवा ही देता हूँ। अभी ये है हमारा फार्म। नागलोक का मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब जहाँ पे सांप बहुत सारे होते हैं उसको नागलोक बोला जाता है। और ये है हमारे खेत का सबसे पुराना जो कुआं, मतलब जिसके अंदर पहले पुराने टाइम में मोटर लगी होती थी, आजकल हमने उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। ये सबसे पुराने वाला कुआं है और इसके अंदर मेरे को लगता है कम से कम 20-30 सांप तो होंगे। हमारे पूरे खेत के अंदर बहुत सारे सांप हैं और इसके अंदर तो कम से कम 20 सांप तो आराम से मिल जाएंगे। ये देखो, यहाँ के सांपों के लिए बिल भी स्पेशल तैयार है। सांप अपने आप से बिल नहीं खोदते भाई, किसी का भी बिल खोदा हो उसके अंदर ही घुस जाते हैं, चाहे चूहे ने खोद रखा हो चाहे किसी का भी हो, बेझिझक होके घुस जाते हैं। और हर चीज़ के ऊपर जो पड़ रही है ना सूरज की धूप, मस्त वाली फीलिंग, मस्त वाले नज़ारे तैयार कर रही है। सनसेट होने की तरफ अग्रसर, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, वाह क्या नज़ारा है भाई सनसेट का, मस्त वाला व्यू। दोस्तों ये देखिए कितना शानदार व्यू है। अभी एक जिसको हम बोलते हैं खाला, जिसके अंदर से पानी बहता है और उसके ऊपर एक टेम्परेरी पुल बन गया है पेड़ का, बहुत ही शानदार व्यू। और ये है हमारे सागवान के पेड़, सागवान के पेड़ मस्त वाले पेड़ होते हैं ये भी। अभी थोड़ा खेत में काम चल रहा है, कोई सांप निकला हुआ नहीं है बाहर, अगर सांप होता तो मैं यहाँ पे वीडियो ना बना रहा होता। सारे के सारे अंदर घुसे पड़े हैं सांप, तो अच्छी बात है ये भी। और ये बहुत शानदार पीपल का पेड़ भी, ये भी काफ़ी पुराना हो गया पीपल का पेड़। और इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ पीपल का बहुत ही बड़ा पेड़, वो भी हमारे यहीं पे ही है। भाई शाम का टाइम है, सांपों का टाइम भी हो जाता है शाम को, चलो फिर भी देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सांप और सॉरी पीपल के पेड़ के पास, जो दूसरा पीपल का पेड़ है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो भाई, ये है मस्त वाला पेड़, बहुत ही विशाल पेड़ है ये पीपल का। आज संडे है,
तो संडे को पीपल ऑक्सीजन नहीं छोड़ता भाई, ये भी सुना है हमने। अदरवाइज पीपल जो होता है वो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, लेकिन संडे वाले दिन ये ऑक्सीजन बिल्कुल भी रिलीज नहीं करते, इसलिए हम ज़्यादा देर इसके पास नहीं रुकते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है। तो किसी दूसरे पौधे के पास चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं किस तरह का व्यू है। कुछ भी कहो दोस्तों, खेत का जो व्यू होता है ना, बड़े से बड़े जो मॉल होता है ना, उससे भी शानदार होता है। मस्त वाले नज़ारे खेत के, वाह। वो जो मैंने बोला था अभी खेत में काम चल रहा है, दीवार वगैरह निकाल रहे हैं, बाउंड्री हो रही है। तो ये देखो पैरट कितने ज़ोर से शोर मचा रहे हैं, आवाज़ें लगा लगा के। शाम का टाइम हो गया, इनका घर आने का टाइम हो गया, तो शोर मचा रहे हैं। अपने अपने पेड़ की जहाँ पे इनका घोंसला है वहाँ पे आके बैठ चुके हैं। ये देखिए, दिखेंगे तो नहीं लेकिन इनका शोर हम सुन सकते हैं। और ये है जो बैठे हैं, नीम के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। ये जो नीम का बड़ा सारा पेड़ है, ये आप देख रहे हैं नीम का पेड़, और उड़ भी गए। और ये आ गई है पानी की मोटर। आज पानी की मोटर नहीं चला रखी क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है, टिग्गी के अंदर पानी भरा पड़ा है, नहीं नहाएंगे आज। आज संडे है, नहाने की छुट्टी, मस्ती मारो। नो नहाना, ओनली खाना। खेत का सफाई अभियान चला रखा है हमने, ये देखो। घर की तरफ चलते हैं।